सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम पीर बाबा के व्रत कैसे रख सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, जो इंसान पीर बाबा को मानते हैं वह पीर बाबा का व्रत भी रख सकते हैं। व्रत कैसे रखा जाता है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है और इसमें क्या करना होता है, इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, अगर आप एक पीर बाबा को मानते हैं, आप दर दर नहीं भटकते, हर जगह माथा नहीं टेकते, सिर्फ एक पीर बाबा को ही अपना पीरो मुर्शद गुरु रब परमात्मा सब कुछ मानते हो, तभी आपको पीर बाबा के व्रत रखने का फायदा होगा। आप अपने पीरो मुर्शद एक के लिए व्रत रखेंगे तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। आपकी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ां गरीबी परेशानी हर मुश्किल दूर हो जाएगी। अगर आप पूरी विधि से ईमानदारी से यकीन विश्वास के साथ अगर आप पीर बाबा के व्रत रखेंगे तो आपको इसका पूरा फल मिलेगा, पूरा फायदा मिलेगा। पीर बाबा के व्रत कैसे रखे जाते हैं, आओ इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, आप किसी भी पीर बाबा को मानते हैं, मान लो आप लखदत्ता पीर जी को मानते हैं, चाहे गौस पाख पीर, ख्वाजा पीर, बाबा फरीद जी, या आप गुगा जाहर पीर जी, या सिद्ध बली से चानो, या नाग देवता, आप किसी भी पीर को मानते हैं तो उनका स्वरूप घर में होना जरूरी है और उनके आगे चिराग रोशन करना भी जरूरी है। आप जिस भी पीर बाबा से निस्बत रखते हैं, उनको मानते हैं, उनका स्वरूप आपके घर में रखे, पूरे दिल से श्रद्धा से ईमानदारी से आप उनके आगे चिराग करें, फिर आप पीर बाबा का व्रत रख सकते हैं। पीर बाबा के व्रत आप वीर बार, जिसको हम गुरु बार भी कहते हैं, वीर बार को हम पीर बाबा के व्रत रख सकते हैं। वीर बार सुबह 4 बजे से पहले उठ जाएं, नहाएं धोएं स्नान करें और बिल्कुल धोए हुए साफ सुथरे कपड़े पहने और जिस जगह आप घर में पीर बाबा का स्वरूप रखते हैं या पाठ पूजा करते हैं वहाँ की आप पूरी तरह साफ सफाई करें, पूरी श्रद्धा से शौक से यकीन के साथ साफ सफाई करने के बाद फिर आप पीर बाबा के नाम का चिराग रोशन करें और अपने पीर बाबा की बारगाह में हाजिर होकर उनके आगे दुआ करें। जय सभी काम आपको निर्जला करना है, आपका कुछ भी खाया पिया ना हो, ना कोई जल ना पानी अन्न भोजन फल फ्रूट कुछ भी ना खाया हो और सुच्चे मुंह आप पीर बाबा की बारगाह में हाजिर होकर चिरा करके उनकी बारगाह में दुआ करें कि पीर बाबा मैं आपके नाम का व्रत रखने जा रहा हूँ, आप ही इसे संपूर्ण करें, आप ही मुझे शक्ति दें व्रत रखने की और आप ही मेरे मन में सही तरीका कैसे है व्रत रखने का आप ही बताएं, आप मेहरबानी करें, आप रहमत करें, ऐसी दुआ करें पीर बाबा की बारगाह में। चिराग रोशन करने के बाद दुआ फरियाद करें और फिर आप घर के काम कर सकते हैं। जब थोड़ा दिन चढ़ जाए, समय करीब 9 या 10 बज जाए तो आप दूध पी सकते हैं। सबसे पहले ये बात जान ले, कई लोग निर्जला उपवास भी करते हैं कि पूरा दिन कुछ भी नहीं खाना पीना है, ये आप पर निर्भर करता कि आप कौन सा व्रत रखेंगे, निर्जला रखेंगे या जिसमें हम दूध पी सकते हैं या फल फ्रूट खा सकते हैं वह रखेंगे, ये आप पर है। अगर आपने निर्जला रखा है तो फिर आप पानी भी नहीं पी सकते, दूध चाय फल फ्रूट कुछ नहीं खा सकते। अगर आपने दूसरा व्रत रखा है तो आप 9 और 10 बजे के करीब दूध पी सकते हैं और सारा दिन आप पीर बाबा को याद करेंगे, उनका नाम लेंगे, सिमरन करेंगे और दूसरे वक्त आप दूध पी सकते हैं या कुछ हल्का फुल्का फल फ्रूट खा सकते हैं। आप दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकर आप आटा मैदा या बेसन से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। जब शाम हो जाएगी तो आप पीर बाबा के नाम की न्याज तैयार करें और उनके दरबार पे जाकर न्याज का धूप पाएं, चिराग करें और उनकी बारगाह में दुआ करें, फरियाद करें और
हमारा व्रत पीर बाबा मंजूर कर ले, संपूर्ण हो जाए, ऐसी भी दुआ करें और सारी दुनिया का भला मांगें। शाम के वक्त न्याज दें, चिराग रोशन करें और पीर बाबा से दुआ करें और उनकी बारगाह में हाजिर होकर पूरे दिल से नाम सिमरन बंदगी करें, थोड़ा समय बैठ जाएं। और जिस दिन आपने व्रत रखा है, पूरा दिन आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, मन में कोई गलत भाव नहीं लेकर आएंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, जहाँ तक हो सके दान पुण्य करें, पशु पक्षियों को भोजन दें और पीर बाबा को सारा दिन याद करो, उनका नाम सिमरन करो, उनके भजन भी गा सकते हैं। अपनी जुबान से कोई गलत शब्द नहीं निकालना है, अपनी आँख से कुछ गलत नहीं देखना है, पाक साफ रहना है। शाम तक जब भी आप पीर बाबा के चिराग रोशन करें, न्याज दें और फिर पीर बाबा को याद करते हुए आप सो जाएं। दूसरे दिन आप सुबह 4 बजे उठेंगे, नहा धोकर पीर बाबा की बारगाह में हाजिर होंगे, फिर से चिराग करेंगे और उनकी बारगाह में दुआ करेंगे, शुक्राना करेंगे कि आपने उनके व्रत को संपूर्ण किया है, हम पर रहमत की है, कर्म किया है, ऐसा शुक्राना करेंगे। और चिराग करने के बाद, दुआ करने के बाद फिर आप कुछ खा पी सकते हैं। ये सिंपल और आसान विधि है पीर बाबा के व्रत रखने के लिए, जो हम वीरवार को रख सकते हैं। सो ऐसे आप व्रत रख सकते हैं पीर बाबा के, इंशाअल्लाह ताला पीर बाबा आपकी हर आस मुराद भी पूरी करेंगे, आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देंगे, ऐसी हमारी भी दिल से दुआ है। सो पीर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका पीरो मुर्शिद आपकी हर आस मुराद पूरी करे। आमीन।